इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको हर एक जैकेट के अंदर देखना चाहिए, वो है ये, ये आपको दिख रहा है। नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में मैंने कुछ टिप्स शेयर किए थे जो कि आप अगर आप राइडिंग या टूरिंग के लिए जाने वाले हो तो आपको हेल्प करेंगे, और उसी के रिगार्डिंग अचानक से मुझे याद आ गया कि चलो ये वीडियो भी बना देते हैं। यानी कि बहुत सारे लोगों को जब वो नया जैकेट लेने जाते हैं तो उनको आइडिया नहीं रहता कि नए जैकेट में क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए और किस तरीके से नया जैकेट लेना चाहिए। तो आज इस वीडियो में मैं ये सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करने वाला हूँ जिससे आपको एक नया राइडिंग जैकेट लेने के लिए हेल्प हो। कोई भी राइडिंग जैकेट लेने से पहले आप लोगों को हमेशा ये चीज़ याद रखना पड़ेगा कि वो किस तरीके से आपको प्रोटेक्शन देगा, या वो आपको क्रैश से प्रोटेक्शन दे सकता है, या फिर वो आपको एब्रेशन रेजिस्टेंस दे रहा है, या फिर आपको वो छोटे छोटे एलिमेंट्स जो रास्ते में आप जब बाइक चला रहे हो यानी कि छोटा पत्थर या ऐसा कुछ उड़ के आया तो उससे आपको प्रोटेक्ट कर सकता है। तो आपको अपना राइडिंग जैकेट इसी बेस पे चूज़ करना है कि आपको किस तरीके से अपने आपको प्रोटेक्ट रखना है। इसी के अलावा राइडिंग जैकेट जब आप लेने जाते हो तो उसमें बेसिकली दो टाइप्स आते हैं, उसमें से पहला होता है टेक्सटाइल वाला और दूसरा होता है लेदर वाला। आप लोगों को पता है कि मैं कौन सा राइडिंग जैकेट यूज करता हूँ? मैं ये राइनोक्स का जैकेट यूज करता हूँ, और ये राइनोक्स का जैकेट ये टोटली टेक्सटाइल जैकेट है, ये लेदर जैकेट नहीं है। टेक्सटाइल और लेदर जैकेट दोनों भी टोटली अलग आते हैं, और दोनों का भी एक इम्पॉर्टेंस है जब आप अपना राइडिंग जैकेट चूज़ करने जाओगे तब। तो ये टोटली डिपेंड करता है आपके ऊपर और आपके बजट के ऊपर कि आपको बेस्ट राइडिंग जैकेट कौन सा मिल सकता है और उसमें क्या क्या चीज़ें आपको देखनी चाहिए। टेक्सटाइल जैकेट हमेशा सस्ते आते हैं लेकिन वो इतने ड्यूरेबल नहीं होते, यानी कि अगर आपने एक बार क्रैश किया तो आपको वो फेंकना पड़ेगा और नया जैकेट लेना पड़ेगा। वही सेम सिनेरियो में लेदर जैकेट काफ़ी अच्छा आता है कि लाइक अगर आपने क्रैश किया तो आप उसको दूसरी बार भी यूज़ कर सकते हो। ऑफकोर्स लेदर इज मोर ड्यूरेबल देन टेक्सटाइल। तो सेम चीज़ों में लेदर जैकेट सस्ते नहीं आते, लेदर जैकेट काफ़ी ज़्यादा महंगे आते हैं। तो आप जिस भी जगह पर राइड कर रहे हो उसके हिसाब से आपको ये चीज़ चूज़ करना पड़ेगा। अगेन एक और चीज़ मैं आपको बोल सकता हूँ कि ये टेक्सटाइल जैकेट आप किसी भी सीजन में पहन के चला सकते हो, लेकिन सेम लेदर जैकेट आप किसी भी सीजन में नहीं पहन सकते। मे भी हो सकता है कि अगर आप बारिश में या फिर मानसून में आपको चलाना है तो उस जगह पर आपको एक्स्ट्रा जैकेट लगेगा या एक्स्ट्रा रेनकोट लगेगा जो कि आपके लेदर जैकेट को प्रोटेक्ट करे। तो इसको भी वैसा लगता है, लेकिन ये आप ऑल वेदर चला सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम। राइडिंग जैकेट लेने का अपना अपना एक रीज़न होता है, तो आपको सबसे पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको राइडिंग जैकेट किस लिए लेना है। तो लाइक फॉर एग्जांपल आपको राइडिंग जैकेट इसलिए लेना है ताकि आप टूरिंग करने वाले हो और टूरिंग पे कहीं पे आप क्रैश हुए तो आपको बचा सके। दूसरा चीज़ ये है कि आपको राइडिंग जैकेट सिर्फ इसीलिए चाहिए ताकि आप सिटी में चलाने वाले हो और वो काफ़ी कूल दिखता है, या फिर तीसरा चीज़ ये है कि आप रेस ट्रैक पर जाने वाले हो और आपको उसके लिए काफ़ी अच्छा जैकेट चाहिए। तो आपको अपना पहला तो एक मोटो चूज़ करना है कि आपको राइडिंग जैकेट क्यों चाहिए। नॉर्मली टूरिंग के लिए टेक्सटाइल के जैकेट काफ़ी अच्छे आते हैं जो कि आप देख सकते हो यहाँ पर है वैसे, और ये आपको हर एक जगह पर प्रोटेक्शन देंगे। लाइक फॉर एग्जांपल जैसे मेरे पास एक जैकेट है तो मैंने टूरिंग के लिए लिया है, तो जब मैं टूरिंग पे जाता हूँ तो मुझे ये सेफ्टी प्रोवाइड भी करेगा, एज वेल एज ये टेक्सटाइल है जिसमें मैश है। तो मैश लाइक जब भी मैं ज़्यादा गर्म हो रहेगा या फिर जैसे अभी समर है चल रहा है तो समर में मुझे काफ़ी अच्छा एयर वेंट प्रोवाइड करेगा और हाई स्पीड पर काफ़ी अच्छा स्टेबिलिटी देगा। लाइक हाई स्पीड पर ज़्यादा हवा नहीं आएगा तो मैं बाइक अच्छे से चला सकता हूँ। तो ये डिपेंड करता है कि आपके चॉइस के ऊपर कि आपको राइडिंग जैकेट क्यों चाहिए। अब राइडिंग जैकेट बहुत सारे हैं, अलग अलग कंपनीज़ के हैं, बहुत बजट दाम से चालू होके बहुत टॉप लेवल तक जाते हैं, यानी कि 1-2 लाख के भी राइडिंग जैकेट आते हैं। तो डिपेंड्स ऑन यू कि आपको कौन से क्वालिटी का और आपका बजट क्या है। अब फॉर एग्जांपल आपने चूज़ कर लिया कि आपको कौन सा राइडिंग जैकेट चाहिए, तो फिर आपको किस तरीके से उसको लेना पड़ेगा और क्या क्या चीज़ें उसमें देखनी पड़ेगी। तो सबसे पहले जो भी चीज़ है आपको अपना साइज़ पहले तो चूज़ कर लेना है कि आपका साइज़ क्या है। आपको साइज़ मेजरमेंट करने के लिए पहले तो आपको चेस्ट का साइज़ लेना है अपने बराबर यहाँ पर, और फिर इसके बाद सेकेंड आपको लेना है कि आपके जो बेली बटन है उसके थोड़ा सा ऊपर, यानी कि आप यहाँ पे ये बेली बटन है तो इससे 1 इंच थोड़ा सा ऊपर लेके आप अपने वेस्ट का साइज़ ले सकते हो और फिर अपना राइडिंग जैकेट चूज़ कर सकते हो। और उसके साथ आपको हाथ का परफेक्टली साइज़ लेने के लिए आपको यहाँ से साइज़ स्टार्ट करना पड़ेगा, यहाँ पर आपके शोल्डर के इधर जहाँ पे बेंड होता है तो वहाँ से लेके आप यहाँ तक देख सकते हो, यहाँ तक होना चाहिए प्रोटेक्शन। तो आप यहाँ से लेके यहाँ तक का साइज़ चेक कर सकते हो। कुछ राइडिंग जैकेट्स अलग तरीके से आते हैं, तो फॉर एग्जाम्पल उनको आपको पीछे से लेना पड़ेगा साइज़। तो लाइक नेक के यहाँ से साइज़ लेते हुए आपको जाना पड़ेगा टोटली यहाँ तक। डिपेंड करता है कि कौन सी कंपनी का राइडिंग जैकेट है। मोस्टली राइडिंग जैकेट यहाँ से लेके यहाँ तक ही रहते हैं सब, और मैं इसीलिए आपको ये बोलूँगा कि ये बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। कुछ साइजेस अलग होते हैं, US में होते हैं, कुछ UK में होते हैं, तो आपको कभी कंफ्यूजन नहीं हो और आप गलत तरीके का राइडिंग गलत साइज़ का राइडिंग जैकेट नहीं लो। मैं आपको यही बोलूँगा कि अगर आपका फर्स्ट राइडिंग जैकेट है तो गो टू द डायरेक्टली शॉप, जो भी आपके शॉप नज़दीक है आप वो शॉप में जा सकते हो और वहाँ पर राइडिंग जैकेट चेक कर सकते हो। तो अभी आपको मैं उसके रिगार्डिंग भी बता देता हूँ तो क्या करना है। तो पहले मैं अपना राइडिंग जैकेट
जैकेट पहन लेता हूँ। जैसे मैं दुकान में गया, मुझे कोई भी राइडिंग जैकेट दिखा, मैंने वो लिया, तो सबसे पहला करना रहता है ये कि आपको वो राइडिंग जैकेट पहनना पड़ेगा। तो जैसे मैंने ये राइडिंग जैकेट पहना, और ऐसा करके नहीं छोड़ना है। बहुत सारे लोग ये हमेशा गलती कर देते कि ऐसा करके छोड़ देते, तो इससे फिटिंग का पता नहीं चलेगा कि राइडिंग जैकेट जो है वो आपको कितना प्रोटेक्शन देगा। तो पहले आपको हमेशा ये करना है कि आपको ये जो भी आपने कपड़े पहने हैं, ऑफकोर्स आप कपड़े के ऊपर ही पहनने वाले हो, तो उसको आपको देखना है। आपने ऐसे ये पूरा पैक कर दिया, और यहाँ से भी आपने गले के यहाँ से भी ये पूरा पैक कर दिया, तो डन। अब जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे मैंने राइडिंग जैकेट ये पहन लिया है, और पहनने के बाद आपको ये चीज़ चेक करना है कि कितना ये स्मूथली आपका बॉडी पोर्शन मूव हो रहा है। तो लाइक जैसे आपके हाथ सही तरीके से मूव हो रहे हैं, देखो मेरा हाथ यहाँ तक जा रहा है, तो ये सही है। और दूसरा चीज़, आप कम्फर्टेबल सीटिंग पोजिशन आपका सही है कि नहीं। अगर आपका सीटिंग पोजिशन सही नहीं रहेगा तो मतलब नहीं है। बहुत सारे राइडिंग जैकेट्स अलग अलग तरीके के आते हैं, लाइक कुछ स्पोर्ट्स बाइक के ऐसे होते हैं राइडिंग, तो उसके हिसाब से देखो ये मेरा गला दुख रहा है, राइट। तो आपको हमेशा वो राइडिंग जैकेट सही तरीके का होना चाहिए, नहीं तो उसका मतलब नहीं है लेने का। तो आप जो भी राइड अपने बाइक है उसके ऊपर बैठ के देख लो आपको किस तरीके का प्रोटेक्शन दे रहा है वो, और फिर किस तरीके का कंफर्ट दे रहा है वो, क्योंकि राइडिंग जैकेट में ये चीज़ भी एक इंपॉर्टेंट रखता है। फिर दूसरा चीज़ आपको देखना है कि इसमें प्रोटेक्शन के क्या क्या पॉइंट्स है। तो फॉर एग्जांपल मैं बाइक चला रहा हूँ और गिरा, तो ये एल्बो प्रोटेक्ट करता है कि नहीं, राइट, ये पहला चीज़ है। दूसरा चीज़ ये है कि लाइक चेस्ट प्रोटेक्शन भी आते हैं बहुत सारे जैकेट्स में, इसमें फ़िलहाल तो नहीं है, लेकिन आपके जैकेट में रहेंगे तो ये भी हो सकता है कि सामने से कुछ आया तो लगा, तो फिर यहाँ पर प्रोटेक्शन होना चाहिए। इसके अलावा शोल्डर प्रोटेक्शन, तो हमेशा हर एक जैकेट में शोल्डर प्रोटेक्शन भी होता है। और इसके अलावा अगर आप देख सको सही से, तो ये है मेरा बैक प्रोटेक्टर, राइट। तो बैक लेवल प्रोटेक्टर भी है कि नहीं, क्योंकि जब भी आप गिरोगे तो ऐसे गिरोगे या कैसे भी गिरोगे, तो आपको ये प्रोटेक्ट करना चाहिए हर एक जगह से। तो एल्बो हो गया, शोल्डर हो गया, बैक हो गया, और चेस्ट हो गया। तो इतने तरीके के प्रोटेक्ट्स आते हैं। कुछ कुछ यहाँ पर भी आते हैं कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि ये अपना किडनी होता है यहाँ पे, तो ये भी प्रोटेक्शन में आता है। तो बहुत सारे जैकेट्स अलग अलग तरीके से आते हैं, आपके सस्ते वाले जैकेट्स में इतने सारे नहीं आएंगे। मे भी हो सकता है कि किसी में बैक प्रोटेक्शन नहीं आए, और मे भी हो सकता है कि किसी में बेसिकली ये शोल्डर और ये आर्म तो आ जाएगा। तो आपको हमेशा ये चीज़ चेक करना है आपके राइडिंग जैकेट क्या है। दूसरा चीज़, आपको वेंटिलेशन का सिस्टम क्या है। तो जैसे यहाँ पर छोटे छोटे मैश बने हैं, इस मैशेस से ये होगा कि हवा जाते रहेगा, जब मैं बाइक चलाते रहूँगा तो इजीली हवा जाएगा, मुझे ज़्यादा हॉट नहीं होगा। ऑफकोर्स जैसे मैं यहाँ पे पहन के बैठा हूँ तो मुझे गर्म हो सकता है, अभी तक तो नहीं हुआ लेकिन गर्म हो सकता है। तो क्यों? क्योंकि यहाँ पे वेंटिलेशन सिस्टम कैसा है, तो वो भी एक सही सिस्टम होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया में तो तीन सीज़न होती है जो कि कॉमन होती है, बारिश, फिर उसके बाद ठंडी, और फिर उसके बाद गर्मी। तो ठंडी में प्रोटेक्ट करने के लिए आपके पास इसके लिए विंटर लाइनर होना चाहिए अंदर। बहुत सारे सब ऑलमोस्ट जितने भी राइडिंग जैकेट आते हैं उसमें विंटर लाइनिंग आता है, लेकिन कोई भी इतना अच्छा नहीं होता है कि लाइक 100% आपको प्रोटेक्ट करे। वो टाइम पर आपको एक नया प्रोटेक्शन लेके जाना ही पड़ेगा, विंटर लाइनिंग, आप ज़्यादा ठंडे एरिया में जा रहे हो तो। लेकिन बेसिक लाइक जैसे मुंबई जैसे एरिया, या फिर आप कोलकाता जैसे एरिया में जा रहे हो जहाँ पे लाइक ज़्यादा ठंडी नहीं होता है, 30 to 25 के आसपास का रहता है टेम्परेचर, और ज़्यादा से ज़्यादा ठंडा हो तो 20 हो सकता है, तो वैसे सिनारियों में वो विंटर लाइनर अच्छा खासा काम कर देगा। तो आपको हमेशा ये सारी चीज़ें देखनी है, और वो एक्स्ट्रा लाइनिंग होता है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको हर एक जैकेट के अंदर देखना चाहिए, वो है ये आपको दिख रहा है, तो ये चेन है, और ये आपके पैंट के साथ, यानी कि जब आप राइडिंग पैंट लोगे तो उसके साथ ये फिट होगा। तो ये हमेशा हर एक जैकेट में होता है, क्यों? क्योंकि उसका एक रीज़न है। फॉर एग्जांपल आप जब हाई स्पीड पे चला रहे हो और जब आपने क्रैश किया, तो ये होगा कि आपका राइडिंग जैकेट स्लाइड होते हुए ऊपर चला जाएगा, बराबर। ऐसे बहुत सारे सीनारियोज में हो सकता है। तो अगर ऐसा सीनारियो हुआ कि राइडिंग जैकेट ऐसा ऊपर चला गया, तो उसका मतलब ही नहीं है, वो आपको प्रोटेक्ट ही नहीं कर पाएगा। तो मे भी हो सकता है कि आपका स्लाइड ये साइड का या फिर ये साइड में घिस गया, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो गया। तो इसीलिए हमेशा ये चेन हर एक राइडिंग जैकेट में होता है, जो कि आपके पैंट के साथ बराबर से टाई हो, और जब ऐसा कुछ सीनारियो हो तो आपका राइडिंग जैकेट सही तरीके से आपको प्रोटेक्ट कर पाए। जैसे मैंने बोला कि आपको पर्सनली जाके देखना है, ये सारी चीज़ें आप देख लो, अगर आपको ये सब चीज़ें सही लगती है तो उसके बाद अपना राइडिंग जैकेट आप ले सकते हो। राइडिंग जैकेट लेने के लिए ऐसी बहुत सारी अच्छी अच्छी कंपनियां हैं जो अच्छे राइडिंग जैकेट बनाती है, जिसमें ये सारी चीज़ें होती है। ऑफकोर्स राइनॉक्स उसमें से एक है, उसके अलावा आप BBG के ले सकते हो, बाइकिंग ब्रदरहुड, तो इसके भी जैकेट्स अच्छे आते हैं, आप वो भी देख सकते हो। उसके अलावा ऐसी कुछ कुछ चाइनीज़ कंपनियाँ हैं जो आजकल शायद से सस्ते में भी जैकेट दे रही है, 3-3.5 हज़ार में। अगर आपके पास बजट नहीं है तो आप वो भी एक ऑप्शन चेक कर सकते हो। साथ में जूस और सोलेस करके भी कुछ कंपनियां आई है, जिन्होंने भी आजकल स्टार्ट कर दिया है राइडिंग जैकेट देना, तो आप वो भी चेकआउट कर सकते हो। ऑप्शंस आपको जो भी कलर है, आपका जो भी स्कीम है, वो उसमें सही तरीके से बैठता है कि नहीं, और उसके बाद आप अपना राइडिंग जैकेट देख सकते हो।
सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड. अगर मैंने कुछ छोड़ दिया है तो नीचे कमेंट करके आप अपने बहुत सारे व्यूअर्स को हेल्प कर सकते हो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ डू लाइक इट. नए हो तो मेरे चैनल पर सब्सक्राइब कर देना. थैंक यू सो मच. बी सेफ एंड राइड सेफ.